हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सागर जयपुर जी, काजल कुंवर जी, प्रिया शर्मा जी, गुड इवनिंग। जल्दी जुड़िए प्लीज। आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टेस्ट सेशन। इस सेशन के एंड में 8 बजे के करीब इसकी पूरी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आइए, प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ के आया करें, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। सीताराम जी हमारे बीच में आ चुके हैं, सीताराम गोस्वामी जी आ चुके हैं हमारे बीच में। चलिए, सचिन जी, कृष्णा मीना जी, अभिमन्यु सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं, गुड इवनिंग। चलिए प्लीज़ अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन, डिसमे। चेतन कुमार मीणा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो, अपाल वर्ड अगर नहीं जानते थे तो इसको जो है रिजेक्शन मेथड से करिए। फेलिसिटेट का मतलब है किसी को सम्मानित करना, ऑनर, सम्मानित करना, ऑनर। और रिलीफ का वर्ब है राहत देना, राहत प्रदान करना। और प्लीज का मतलब खुश कर देना, खुश कर देना किसी को। तो ये तीनों तो एंटोनिम हो गए। डिस का मतलब क्या होता है? अवे। और मैं, ये बताओ, गर्मी में धूप से दूर भागते हैं या पास जाते हैं? यानी धूप से दूर जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो पहले ये समझो कि डिसमे क्या होता है। डिसमे का मतलब असंतोष, गुस्सा या निराशा, ठीक है ना? नरेन जी, प्रकाश, पंखी जी, चेतन जी, रजनी जी, हिना जी, सभी लोग आ जाइए प्लीज। सचिन मीना जी हमारे बीच में है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो डिसमे है ना, ये बुरी चीज की फीलिंग देगा। मेम का गर्मी और डिस का मतलब अवे, लेकिन ये गर्मी से लेना देना नहीं है, इसका मतलब है असंतोष। डिसमे का मतलब क्या है? रिजेंटमेंट, गुस्सा, एंगर या निराशा। तो अपाल क्या होता है? अपाल, याद रखना, अपील नहीं, अपाल, ठीक है। नेक्स्ट, पैट्रनेज, पैट्रनेज प्लीज जल्दी कीजिए। ए ऑप, चारों ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ईशन भाइयों, पैट्रन, पैट्री, पैट्री माने पित्री, पित्री, पिता क्या करता है? बच्चे को संरक्षित करता है, उसको संरक्षण, सपोर्ट करता है। तो पैट्रनेज, पैट्री, पिता, पित्री, पिता, संस्कृत वर्ड से देखो तो पैट्रनेज पिता क्या करता है? संरक्षण करता है। तो यहां पर संरक्षण, सपोर्ट। अब देखो, ऑब्स्ट्रक्शन, रिजेक्शन मेथड लगाओ, बाधा। और डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट, डी का मतलब डाउन या दूर और ट्रैक्ट माने खींचना। तो डिट्रैक्टर का मतलब होता है दुश्मन, जो आपके टांग नीचे को खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, जो आपको नीचे लाना चाहते हैं, वो क्या होते हैं? डिट्रैक्ट, डिट्रैक्टर होता है आपके विरोधी। और डिट्रैक्शन का मतलब विरोध, डिस्ट्रैक्शन नहीं है ये। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आपका ध्यान दूर खींचना, और डिट्रैक्शन का मतलब आपको नीचे खींचेगा, यानी आपका दुश्मन होगा वो। और एंटा, एंटी से बना है, एंटागोनिज्म का मतलब यह है दुश्मनी। बोल तो बोलो, एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? दुश्मनी, यह है दुश्मनी, शत्रुता, दुश्मनी। तो यहां पर ये सारे को करके ये आया। नेक्स्ट चलिए, वेहमेंट, वेमेन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। रिजेक्शन मेथड से पता चलेगा। इम्पोटेंट, पोटेंशियल, पोटेंट, क्षमता, और इम का मतलब नहीं। तो इम्पोटेंट का मतलब है जिसके पास क्षमता नहीं है। और अपैथेटिक, अ का मतलब है नहीं, और पैथेटिक का मतलब फीलिंग। तो अपैथेटिक का मतलब है विदाउट फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग,
जिसके पास नो फीलिंग, कोई फीलिंग न रखने वाला। अ का मतलब नहीं पैथेटिक फीलिंग। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है नरम, सॉफ्ट, माइल्ड तो जानते ही हो ना, सॉफ्ट। और ये तीनों तो अब देखो वेह, ये वेग जानते हो ना, वेग, तो वेग क्या कराएगा, शक्तिशाली होगा। या वेग से जब चलती है कोई चीज तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा होती। तो वेमेंट जो है इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। तो स्ट्रांग क्या फीलिंग के लिए आता है, ध्यान रखना किसके लिए, फीलिंग। फीलिंग या विचार जो है बहुत ही स्ट्रांग हो तो क्या होता है, वेमेंट, फीलिंग या आइडिया या विचार। तो अब यहां पर एक ही ऑप्शन बचा, क्या, फर्वेंट। तो फर्वेंट का मतलब भी वही होता है फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग मतलब है, और फीलिंग का ये एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है, वेमेंट एडजेक्टिव है। हिमा दौसा जी आए हैं हमारे बीच में, जल सिंह जी आए हुए हैं, सीताराम जी, आशी जी, चलिए प्लीज अब आ जाओ। सोलेस, सोलेस क्या होगा, प्लीज जुड़े रहिए आप सभी लोग। जो ये वर्ड्स हैं ये अपलोड हो जाएंगे, पूरा टेस्ट और मीनिंग भी सारे अपलोड हो जाएगा 8 बजे, तो आप लोग न्यूज़पेपर 7 से 8 जो है अपलोड कर देता हूँ, उसको भी पढ़ के आए के लिए। आज 9 बजे की क्लास VIPM ऐप में, प्रिया शर्मा जी कह रही हैं VIPM ऐप में 9 बजे की क्लास नहीं आई, थोड़ा इसको रिप्लाई कर देना। चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहां पर देखो सोलेस, सोलेस का मतलब सोले भाई, अब राहत की सांस, सोले यानी राहत की सांस, सोले इसका मतलब क्या है, रिलीफ है, राहत है। तो डिसकॉर्ड, डिस का मतलब अवे और कॉर्ड का मतलब रस्सी, यानी कि डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। और ऑब्स्ट्रक्शन तो बार बार आता है आप जानते हैं, बाधा। कंफर्ट का मतलब राहत, आराम, राहत या आराम, आराम। और कल्टीवेशन, खेती, कल्टीवेशन क्या होता है, कृषि, एग्रीकल्चर। तो यहां पर क्या आएगा, कंफर्ट आएगा। ठीक है भाई बहनों, यही सब सीखने के लिए आए थे, प्लीज चलिए नेक्स्ट। हैफजर्ड, हैफजर्ड, सचिन वर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, हीना कुमाऊ जी आ चुके हैं, चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मेरे जैन जी यहां पर केओस कई बार आ चुका है, केओस का मतलब है अफरा तफरी, यानी नॉइजी आवाज हो रही है खूब, और डिसऑर्डर यानी कोई व्यवस्था, अव्यवस्था और शोरगुल और अव्यवस्था को क्या बोलते हैं, केओस। उसी से क्या बना है, एडजेक्टिव, केओटिक, डिसऑर्डर, अफरा तफरी। मेथडिकल और सिस्टमेटिक तो क्या है, पॉजिटिव चीजें, लेकिन हैफजर्ड का मतलब है कि एकदम हड़बड़ी में और बिना सिस्टम के कोई काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो, केओटिक। और डेलिबरेट थोड़ा ध्यान दो, जानबूझकर, इंटेंशनल, इंटेंशनल, जानबूझकर, डेलिबरेट। ठीक है भाइयों बहनों, चलिए एक डेलिबरेट का मतलब डिस्कस करना भी होता है, डिस्कस करना ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक, प्लीज जाइए नहीं, जुड़े रहें और देखें क्या चल रहा है। ए ऑप्शन, जिनका जो नए लोग हैं अगर गलत हो रहा है तो उसको ये मत सोचो मेरा गलत हो गया, ये सोचो कि आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है, इस टेस्ट को इसी अप्रोच से देखें। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहां एंटोनिम है, एंटोनिम है। तो स्टॉक जो है किसी जानवर का पीछा करना शिकार के लिए, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्स छू। जब किसी का पर्स जो है छीनना है तो चोर उसके पीछे पीछे चलता है, फॉलो चेस, फॉलो चेस। तो इसका मतलब है किसी को फॉलो करना, पीछे पीछे चलना, और हंट भी वही है, शिकार करोगे तो पीछे पीछे जाओगे, और चेज वही सिनोनिम ही है।
तो री का मतलब चेज में, परसू में, हंट में आगे बढ़ोगे या पीछे बढ़ोगे, और री का मतलब क्या होता है बैग। तो जो आज जो मैंने इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ इतने दिनों से, प्रीफिक्स और रूट को जानो और अपने आप गेस कर लो कि यही होगा। री का मतलब पीछे, ट्रीट रिट्रीट यानी पीछे जाना, तो ये हो जाएगा। अब चलो इसको बरी नहीं बेरी बोलते हैं, बेरी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। किशन भाइयों, आशीष जी, हेमादास जी, यहाँ पर बेरी का मतलब जमीन के अंदर गाड़ देना, और इन का मतलब भी क्या है, अंदर। तो इन ग्रास का मतलब है किसी करप्शन में या किसी एक्टिविटी में गहराई से लिप्त होना, गहराई से लिप्त होना। किस में? किसी एक्टिविटी में, किसी फीलिंग में, किसी विचार में गहराई से लिप्त होना। और इन्वॉल्व तो जानते ही, इन्वॉल्व का मतलब भी वही होता है जो इनग्रॉस होता है। री का मतलब आउट। तो यहाँ जो रिवील है ना, री का मतलब वापस, व्हील का मतलब खुलासा करना, और डिस का मतलब अवे, और ट्रैक्ट का मतलब खींचना। तो डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब है ध्यान को भटकाना। तो यहाँ पर जमीन में गाड़ना इसका मतलब होता है, क्या होता है, जमीन में गाड़ देना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिवील। लेकिन बताता हूँ इसका एक्चुअल जो अपोजिट है वो लिखो एक्सट्रैक्ट, लिखो एक्स नहीं एक्सकवेट, लिखो एक्सकवेट। एक्सकेव जानते हो ना, तो मतलब जमीन के अंदर गड्ढे में से किसी मुर्दे को या किसी सामान को बाहर निकालते हैं, किसी भी चीज की खुदाई, तो वो क्या होता है, एक्सकवेट होता है, खुदाई करके बाहर निकालना, एक्सकवेट। तो बेरी का अपोजिट क्या होगा, एक्सकवेट। मुर्दे को या किसी भी चीज को जमीन में गाड़ेंगे तो बेरी, और बाहर निकालेंगे तो एक्सकवेट। और कुछ दिया नहीं है इसलिए रिवील कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। रिवील उसका एग्जैक्ट मीनिंग एक्सकवेट है, ये ध्यान रखना। ट्रैंक्लाइज, ट्रैंक्लाइज, प्लीज आप जुड़िए और देखिए, मीनिंग सीखिए, सीखिए मीनिंग को। चलिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखिए मेरे भाइयों, सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिए। ट्रैंक्लाइज का मतलब किसी चीज को शांत कर देना या बेहोश करना, मतलब एकदम ऐसे सुस्त बना देगा। तो इसका सिनोनिम भी है शांत का, सूद, और पैसिफाई, पीस से, शांति से बनाइए, तो ये सब सिनोनिम है। और क्वेल, क्वेल का मतलब आपके अंदर जो कोई विचार है, जो नेगेटिव विचार है, उसको किल कर देना, यानी तब भी शांत हो जाओगे। आपके दिमाग में कोई टेंशन है तो टेंशन को किल करने को क्या बोलते हैं, क्वेल। आपके अंदर चिंता है तो चिंता को किल करने को क्या बोलेंगे, क्वेल। राउज, अराउज यानी फीलिंग जगाना, बोलो अराउज का मतलब क्या है। जबकि आपके अंदर फीलिंग जाग जाएगी तो आप शांति से रह पाओगे या बेचैन हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, इसलिए इसका एंटोनिम अराउज होगा भाइयों बहनों। विशियस, विशियस, प्लीज जाइए नहीं, जुड़े रहिए। और जो वर्ड नहीं आ रहे हैं तो ये मत सोचिए हमें तो आता ही नहीं है, ये एक सीखने का क्या है, मौका है, एक नया चीज मेरे को सीखने को मिल रहा है, ऐसा सोचिए। हिमा दास जी का रिप्लाई बी है, हिमा दास जी का सही है, हिमा दास जी काफी अच्छी रिप्लाई दे रही हैं। चलिए, विशेष, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। किशन जी सुनिए, ये लड़का नहीं बता पाया, इसको मैंने बोला था विशियस का मतलब क्या है, बैड, इवल, बुराई, बुरा। तो विशियस साइकिल का मतलब बुराइयों का चक्र। अब किशन जी, ब्रूटल, ब्रूटल क्या होता है, निर्मम, क्रूर, क्रूर होता है। और हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, आक्रामक। मैं ऐसे बताता था कि हॉस्टल के लड़के कैसे हॉस्टाइल, मारपीट करने वाले, आक्रामकता, दूसरों पर आक्रामकता दिखाने वाले, हॉस्टाइल, एग्रेसिव। और इसन जी, बर्बर, बर्बर कई लोगों ने सुना होगा, बर्बर, बर्बरता सुने हो, बर्बरता के साथ पुलिस की बर्बरता नहीं सुने हो क्या यार, तो बर्बर, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड, बोलो क्या है, अनसिविलाइज्ड। और इसन जी, वर्चुअस इसका क्या है, अपोजिट। वर्च्यू का मतलब गुड क्वालिटी, बोलिए इसन जी, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुड एंड मॉरल क्वालिटी, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी को वर्च्यू बोलते हैं।
और बुरी को वाइस, VIC, तो वर्चुअस होगा, सच अच्छा। नरेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में, राहुल कुमार मीणा जी आ चुके हैं, हेमा हीना कुमार जी हैं, हेमराज मीणा जी हैं और हेमा दास जी हैं। चलिए प्लीज हेमा दास जी, चलिए अंडरमाइन। जाइए नहीं, जुड़े रहिए, तब मजा आएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब इस लड़के को बोलो कि अंडर माने नीचे, माइन का मतलब तो माइन होती है, तो माइन के अंदर जाएगा तो नुकसान होगा उसका या फायदा होगा? नुकसान करना, हार्म करना, और कैसे? भीतर ही भीतर। अब इस जनजी, ई का मतलब आउट, रोड क्षरण, क्षय, इरोड कम, ताकत क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी, वीकन, बल ये शक्ति प्रदान करेगा, बॉलस्टर। और क्रिपल, क्रिपल का मतलब है कि किसी चीज को बाधित करना, स्लो कर देना, इम्पीड कर देना, स्लो कर देना, इम्पीड कर देना, क्रिपल। क्रिपल माने रेंगना, मतलब उसको स्लो कर देना, धीरे धीरे चलने लगेगी, स्लो कर देना। तो अंडरमाइन का अपोजिट बल प्रदान करेगा, बॉलस्टर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए अ ड्रग, वन वर्ड आ गया। रिजेक्शन मेथड से हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। रिजेक्शन मेथड से हो जाएगा कि एनर्जिक तो होगा नहीं, एनर्जेटिक होना चाहिए था, एनर्जेटिक होना चाहिए था, एनर्जेटिक। रिवाइवर, रिवाइव करने वाला, यानी किसी चीज को फिर से एक्टिव करने वाला, ये भी नहीं होगा, वो तो सुलाएगा ना। तो यहां पर स्टिमुलेंट का मतलब है स्टिमुलेट करने वाला, यानी किसी चीज को इंड्यूस करने वाला। बोलो क्या है? इंड्यूस करने वाला। स्टिमुलेंट का मतलब इंड्यूस, प्रेरित करने वाला, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सीडेटिव। सीडेटिव क्या करता है? आदमी को सुला देता है, ठीक है ना। सीडेटिव ये ऐसा चीज, ऐसी दवा। इशन भाइयों मीनिंग देखो, जो नहीं आए उसको सीखो। और ये मत सोचो, कुछ ये नए स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये तो बर्बाद, इसकी पूरी PDF 8 बजे डाउनलोड हो जाएगी, फिर एक बार रिवाइज कर लेना, काम खत्म। रोज का रोज करो, देखो कैसे आपका सुधरता है। 8 बजे PDF है, फिर रिवाइज कर लेना। चलो नेक्स्ट, ए बी सी डी। रिजेक्शन मेथड करो, देखो डॉक यार्ड, डॉक यार्ड में डॉक जो होता है ना तट पे, समुद्र के तट पर, शिप, जहां पे जहाज की लोडिंग और अपलोडिंग होती है वहां पर क्या है? शिप के लिए होता है। और गैरेज में कौन होती है? कार्स वगैरह, ट्रक, कार्स, बस। और ग्रेनरी में क्या होगा? ग्रेन, ग्रेन का मतलब दाने, अनाज, अन्नागार, अन्न भंडार, अन्नागार, जहां पे ग्रेन रखे। तो क्या बचा? हैंगर। लेकिन यहां ए आता है, स्पेलिंग एरर में आ सकता है। कहां पर? जहां पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एयरक्राफ्ट के लिए जगह होती है, उसमें रहते हैं, वहां पर उनकी सफाई वगैरह, सर्विसिंग, क्लीनिंग होती है। आओ नेक्स्ट देखो, चलो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे स्टूडेंट भाइयों, चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पता चलेगा, रिक्टर का पैमाना होता है, रिक्टर का स्केल होता है, ये होता है रिक्टर। ये तो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होता है, वो वाला है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये रिक्टर पैमाना होता है। ये एक GK में भी आ सकता है, पंकज जडेजा जी, हेमा दास जी, हिना जी, अभिमन्यु जी, नीतीश जी, सचिन जी, सोनू मीना जी हमारे बीच में, विजय राव जी, अंजू जी, नरेंद्र चौधरी जी। आप जाइए नहीं, जुड़े रहिए प्लीज। और ये सोचिए कि ये जो करा रहा हूँ, ज्योति जांगड़ जी बहुत दिन बाद आज हमारे बीच में आए हैं, तो इतने दिन तक कहाँ थे ज्योति जांगड़ जी? 20 दिन बाद आज आप दिख रहे हो, कहाँ थे इतने दिनों? या मन नहीं कर रहा था टेस्ट देने का? इशन भाइयों आप इसको 8 बजे फिर अपलोड होगा ये, उसमें फिर से एक बार नोट बना लेना, लेकिन आप अटेंड जरूर करो प्लीज, जाइए नहीं। चलो तो रिएक्टर, रेक्टर ये तो कुछ नहीं है, और सेल्सियस क्या मापता है? टेम्परेचर। तो
तो अंत में क्या आएगा? रिक्टर। चलो नेक्स्ट। बार्ज पोल। ज्योति जागड़ी जी, सर एग्जाम था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अरे भैया, चिमटे से भी नहीं छुएंगे, दूर से भी नहीं छुएंगे, नहीं बोलते हैं क्या? तो विद अ बार्ज पोल तो क्या होगा? रिलेट, रिफ्यूज टू या गो नियर समथिंग। भैया मैं तो इस चीज को डंडे से भी नहीं छूंगा, यानी दूर से भी। बार्ज पोल का मतलब है वो जो छोटी छोटी शिप होती है जिनको चलाते हैं ना ऐसे ऐसे, तो उसमें जो है और एक डंडा होता है, तो उसे हटाते हैं कोई बाधा आती है तो, या उसको ऐसे चलाते हैं, तो क्या होती है? बार्ज पोल होती है। तो बार्ज पोल से भी नहीं छुएंगे। ज्योति जी कसी है, सही है। चलिए नेक्स्ट। सीताराम जी, अविनाश जी, राहुल कुमार जी, राकेश बस्सी जी, चलिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। समझो, अ पार्टी वॉज रूइंड बाई अ कपल ऑफ नॉइजी रूड गेट क्रैशर्स, यानी कि अनइनवाइटेड गेस्ट। क्रैश माने तोड़ना, गेट को तोड़कर घुस गए भाई, तो गेट को तोड़कर घुस गए तो क्या होंगे? अनइनवाइटेड फ्रेंड होंगे। तो ये आप लोग देते रहे, जाइए नहीं, और 8 बजे इसको फिर से अपलोड कर दूंगा, फिर से नोट बना लेना। अभी फिर सिर्फ अटेम्प्ट करो, 8 बजे नोट बनाना, अभी अटेम्प्ट करो, मजा आएगा। और कुछ लड़के तो अभी भी लिख दे रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर अभी लिख लो तो। लेकिन जो नए लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही हो, जाए नहीं। श्री दयाल मीना जी हमारे बीच में आए हैं, वेलकम। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ही इज एज डेफ्ट एज अ ब्रश, यानी क्या है? सिली है, बेकूफ है। क्या है? सिली, अच्छा लड़का है लेकिन थोड़ा बेकूफ है। यहां देखो प्लीज, जाइए नहीं, जुड़े रहे भाइयों बहनों। चलिए प्लीज, ए ऑप्शन यहां पर करेक्टली स्पेल्ड दिया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो, डिस को स्प्लिट कर दो, डिस्टिलरी। डिस्टिलरी होती है जहां पे शराब की फैक्ट्री होती है, जहां पे शराब वगैरह बनता है, बियर वगैरह, वो क्या होता है? डिस्टिलरी होती है, शराब और बियर बनाने वाली। नितिन गर्ग जी, आशी जी, राहुल जी, चलिए प्लीज। अब जरा एरर में आओ तो देखो तो कैसे करते हैं। एरर में आओ, खेल तो अब शुरू होगा। ज्योति जी, हेमादास जी, शिवदयाल जी, हेमादास जी का डीडी है, हेमादास जी दीदी हैं। चलिए, हेमादास जी डीडी हैं। पंकी जी, ज्योति जी, इसमें एरर बताइए। चलो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नो एरर। बोलो क्या गड़बड़ है? ये क्या आदमी है यार, ये बंदा तो आज ही से सिलेक्ट हो जाएगा यार। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम इक्वल हो, एडजेक्टिव है, इसको वर्ब बना दो तो क्या हो जाएगा? इक्वलाइज। अवसरों को समान बनाना चाहिए, इस खेल के लिए आए थे। मैंने बोला था प्लीज डोंट गो अवे, 8 बजे अपलोड होगा, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। लेकिन देखो, जो आपकी गलतियां हो से उसे हीनता का शिकार मत होइए। आपको पहले ही बता चुका हूं भाइयों कि यहां पर सबसे पहले टेंस की एरर, सब्जेक्ट वर्ब की एरर देखी जाती है, फिर प्रेपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पांचवें नंबर पर फिक्स रूल, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर थी।
पांच ही एरर होती हैं, चलो पांच ही एरर हैं बस। चलो चेतन कुमार जी हमारे बीच में आ चुके हैं, चलिए प्लीज। कितना एक्साइटिंग है, रिप्लाई कीजिए। यस यस शिवदयाल जी, यस यस नरेंद्र जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। खेल तो अब होगा। ज्योति जी जरा रिप्लाई कीजिए, तो क्या है आपका आंसर? यहां पर मेरे भाइयों, यहां पर हैज के साथ वर्ब की, लेकिन स्प्रेड का तीनों फॉर्म स्प्रेड ही रहता है, तो हैज स्प्रेडेड गलत है, सिंपल एरर है। स्प्रेड के तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होता है, स्प्रेडेड होता ही नहीं है, यही गलती थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक तरह से वर्ब का फॉर्म है। बेसिक चीजें, कॉमन एरर में बहुत सिंपल चीजें। अब देखिए थर्ड, थर्ड देखिए जल सिंह जी, ज्योति जी चलिए, हेमा, हेमा दास जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अब देखना डी ऑप्शन। यहां पर एज फार एज का मतलब जहां तक, जहां तक द गोल ऑफ टैकलिंग ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज, यानी आंख फाड़ती हुई असमानता को टैकल करने के जो लक्ष्य का जहां तक सवाल है, संबंध है, तो बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। क्या आएगी? कंसर्न, ईडी आएगी। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल है, इज कंसर्न हो जाएगा। अब चलो खूब ध्यान से, थोड़ा टाइम दे रहा हूं इसमें, टेक योर टाइम, रीड थ्राइस। चलें, चलिए प्लीज। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नो एरर, नो एरर। हाल है, हाथ उड़ाना है, हाथ उड़ाए। क्या एरर है भाई? सी में एरर किया था ना, किसमें किया था? किया ही नहीं। देखो इसमें ढूंढते हैं, यहां का सब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का जो 2 है, इस प्रेपोजिशन का 20 है। 20 फ्लोन इनटू इंडिया, इंडिया में जो विच वर जिनको हवाई जहाज पे बैठा के लाया गया था, उनमें से मतलब वो जो 20 चीता थे, उनमें से दो की मौत की घटना। तो इंसिडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। ये घटना सिंगुलर दे रहा है, और 8 फ्रॉम नामीबिया, 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज, तो ये घटना है, ये घटना है। एन अर्जेंट कॉल, एक अर्जेंट कॉल है, ये घटना एक अर्जेंट कॉल है, एक अर्जेंट पुकार है। टू गेट किसके लिए? टू गेट और एक्ट टुगेदर, ये इडियम है।
यानी कमर कस लेने के लिए, सतर्क हो जाने के लिए। एंड, अब एंड के बाद क्या साइलेंट है? टू है, टू एंश्योर, एस हटेगा, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। क्या? द रिमेनिंग चिताज एडेप्ट। अच्छा, सुनिश्चित करने के लिए कि जो रिमेनिंग बचे हुए चीता हैं वो एडेप्ट कर लें। ये इंपरेटिव सेंटेंस बताया था ना, शुड और मस्ट यहां पर साइलेंट हो जाता है। करें, एडेप्ट करें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहां टू साइलेंट था, यहां से एस हटेगा। ये है धोखा। ये चीज जो गलत हुई है, गलती नहीं हुई है, ये एक टेक्निक बताई गई है आपको, टेक्निक बताई गई है, ये समझो। आगे चलो। चलिए, पहले ध्यान से पढ़ो इसको। हेमादास जी नमस्कार, रेगुलर रहिएगा। हेमा जी आप रेगुलर रहना प्लीज, तभी आपको सफलता मिलेगी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नो एरर। ये देखो, इंडिया हैज लॉस्ट लगभग 90-95% ऑफ इट्स ग्रासलैंड्स ओवर द लास्ट 20 वर्ष में, खो चुका है। बट लेकिन दैट इज नॉट सेइंग, वह नहीं कह रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। दैट इज नॉट टू से होगा। बी वर्ब के बाद जब इंफिनिटिव आती है ना, तो उसका मतलब है प्लान, शेड्यूल या इंटेंशन। यानी कहने का मतलब या नहीं है, कहने का इंटेंशन या नहीं है। दैट इज नॉट टू से, इसका मतलब कि कहने का इंटेंशन ये नहीं है कि, आगे की वाला दैट सही है, और ये दैट का मतलब वह, यानी यह बात कहने का इंटेंशन यह नहीं है कि कूनो इज द ओनली नेशनल पार्क। तो यहां पर दैट इज नॉट टू से, इज नॉट सेइंग का मतलब कह नहीं रहा है का सेंस नहीं आ रहा है। दैट इज नॉट टू से, इस लड़के को बता रहा हूं कि बी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का यूज जब होता है तो प्लान, शेड्यूल या इंटेंशन के लिए यूज होता है। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। बी वर्ब का मतलब है इज, आर, एम वगैरह वगैरह, वाज के बाद। अगर यहां इन्फिनिटिव आ रही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये किसके लिए? प्लान, शेड्यूल या क्या बनाना? इंटेंशन, इरादा। इंटेंशन का मतलब है इरादा। तो कह रहा है मेरे कहने का इरादा ये नहीं है, मतलब इसका ये कहने का ये इरादा नहीं है कि, समझ में आ गया ना? तुम तो पहले ही सही कर दिए थे। चलिए आगे चलिए, अब आ जाइए प्लीज, जरा इसको रीड कीजिए प्लीज, अपने जीवन में धन्यता लाइए, पढ़िए प्लीज। हेमादास, हेमा जी ने से कहा है, टू से आएगा। अरे ये हेमदौसा जी हैं, हेमदौसा जी, हेमा जी नहीं है, हेमदौसा जी हैं। बलविंदर सुथार जी बहुत दिन बाद हमारे बीच में आए हैं, चलें प्लीज, जाइए नहीं, कहीं मत जाइए प्लीज, जुड़े रहिए, तब मजा आए। ओके okay।
चलिए प्लीज। जल्दी कीजिए प्लीज। पैसेज देखते ही लोग डर जाते हैं, जो डर गया समझो मर गया। चलें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसन भाइयों, यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज द इन द मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड टुडे लीडर्स अक्रॉस नेशंस अग्री ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डाइवर्स बैकग्राउंड। ये तो सही है। पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये तो पहला तो सही है ना। इररेस्पेक्टिव का मतलब है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बिना उससे कंसीडर किए हुए। इररेस्पेक्टिव अपन लोग उसको ना ध्यान में रखते हुए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट बॉडीज स्ट्रांगली डिसएग्री विद वन अनदर व्हेन इट कम्स टू, देखो टू के बाद यहाँ जिनेंड आता है, प्रेपोजिशन था, प्रोवाइडिंग सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। एक जैसा जब अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने की जब बात आती है ना, तब डिसएग्री करते हैं, तब डिसएग्री करते हैं। ये तो मानते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन जब करने की बात आती है तब उनमें डिसएग्रीमेंट आ जाता है। तो ये क्या है, ये, अरे ये भी क्या है, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। पीटर थेल ऑथर्ड द बुक द क्या है, डाइवर्सिटी मिथ। इसको भी तो लिखा ही तो था इन्होंने। थील असर्ट्स डिस्क्रिमिनेटिंग द अपॉर्चुनिटीज। असर्ट्स माने जोर देके कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रूली टैलेंटेड पीपल इन द नेम ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बहुलतावादी कल्चर के नाम पर जो टैलेंटेड लोगों के अवसर के साथ भेदभाव करने की बात को वो क्रिटिसाइज करते हैं या उस पर जोर देते हैं, जोर देते हैं। अरे बेहुदा क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आदमी है वो, यही तो पूरे किताब का नाम था। उन्होंने ये बोला था कि ये गलत है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके नाम पर, मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर। तो इसलिए यहां पर ये चौथा गलत है। तो क्या होगा, 1, 2 एंड 3। यहां पर ये नहीं समझ रहा है कि थेल कहीं आए हैं क्या, यहां पर थेल कहीं आए हैं क्या। हाँ यही है, मिथ, द डाइवर्सिटी मिथ माने मिथक यानी झूठी, मिथ्या, अबाउट हाउ एक्सलेंस वॉज बींग अंडरमाइंड एट अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उत्कृष्टता को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस बारे में जो डाइवर्सिटी का जो मिथक है, ये किताब जो उन्होंने लिखा थेल ने, किस बारे में कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो तो ये लिख रहे हैं। और डाइवर्सिटी के नाम पर क्या है, ये एक मिथ्या है, झूठी अवधारणा है, ये सोचना चाहिए था। चलो नेक्स्ट। चलिए प्लीज। चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो यहां पर फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी
पॉलिटिक्स, ग्रोइंग इकोनॉमिक यूनिटी, इंक्रीज लैक ऑफ, क्या है यहाँ पर भाई? यहाँ वो कौन है? मशीन। तो वो मशीन कौन है, कहाँ है वो? अ जायंट। कह रहा है कि फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? एक जायंट मशीन है। तो फोकस यहां पर दिया है क्या? फोकस ऑन डाइवर्सिटी आइडेंटिटी, यही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो। अब चलो प्लीज, श्रीदयाल जी, हेमराज मीरा जी, सागर जी, चेतन जी, सचिन जी, अविनाश जी, अनु जी, चलिए, अंजू जी, चलिए इसको पढ़ो, स्पीड बढ़ाओ। हो गया? अविनाश यादव जी, अजीत सिंह जी, विजय रगाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं अटेंडेंस देने के लिए, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे बेचारे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो ये समझो कि ये इस पूरे का निचोड़ ही यही था कि आइडेंटिटी यानी जातीय पहचान आधारित जो पार्टियां हैं भारत में, वो थेल के आर्गुमेंट के साथ अग्री वो दूर से भी नहीं छुएंगी, यही तो है। तो ये आंसर आएगा फॉल्स, ये आएगा, यही तो असली चीज है, दूर से भी नहीं छुएंगी। क्या यहां पर? थेल्स आर्गुमेंट, वोंट टच थेल्स आर्गुमेंट विद अ बार्ज पोल, दूर से भी, कौन? आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज, मतलब दूर से भी नहीं छुएंगी यानी उससे एग्री नहीं होंगी, ये नहीं समझ पाए, यही तो भाव था। तो धीरे धीरे आएगा, तुम घबराओ मत, रोज रोज करते करते एक दिन एहसास होने लगेगा। आप चाहते हो कि मैं इसकी तरह एक टॉपिक किया उसमें 100 क्वेश्चन हो गए, ऐसे नहीं होता, ये पूरे इंग्लिश का निचोड़ है, धीरे धीरे आने लगेगा। टीचर के साथ सॉल्व कर रहे हो ना, इसका यही फायदा है। चलो अब आगे इसको पढ़ो। चले भाइयों,
डन। चलिए प्लीज अब इसको देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जो समझदार लड़के हैं वो ये समझ रहे हैं कि बेस्ड ऑन सोशल असमानता पर आधारित नीतियां रिजल्ट इन तब्दील हो जाती हैं या कारण बनती हैं कमी की, किसकी, इक्वल आर्थिक अवसरों के कमी का कारण बनती हैं। टू इंडिविजुअल्स विच, अब ये इंडिविजुअल्स इसका एंटीसिडेंट, ये पूरा सेंटेंस है, ये घटना है, विच जो फाइनली रिड्यूस कर देता है ग्रोथ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। यही तो ट्रू है ना, बाकी सब गलत है। चलिए छोटा है, इसको पढ़िए। नरेंद्र जी, विजय जी, योगेंद्र प्रजापत जी हमारे बीच में है, ज्योति जांगड़ जी अभी भी बनी हुई, पंखी जी, उर्वशी जी, मुनेश देवी जी, चलिए प्लीज। हो गया, विजय रॉयल जी अभी भी हमारे बीच में हैं, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। फॉल्स करना है तो इंडिया के पास पर्याप्त ग्रासलैंड्स नहीं है, तभी तो मरे हो। द रीजंस प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटीज फॉर द डेथ ऑफ रीजन वर नॉट प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब देखने में सही, सुनने में सही नहीं लग रहा। प्लॉजिबल वो होता है, लगे कि रीजनेबल है, रीजनेबल का मतलब सुनने में लगे कि रीजनेबल है, तो ये तो गलत है। ये तो क्या है, ये तो नॉट प्लॉजिबल ट्रू है, और एम्बिशन हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए डी ऑप्शन आंसर है, आइए चलिए प्लीज। विजय रेवाल जी ने ऑप्शन दे दिया, मनीष जी, हिमराज जी, कविता बोरा जी, सागर जी, चलिए प्लीज। डन फ्रेंड्स, चलिए अविनाश यादव जी, चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। किशन जी यहाँ पर इस सेंटेंस में कंजर्विंग एंड एक्सपेंडिंग ग्रासलैंड्स रिस्पॉन्सिबली,
जिम्मेदारी पूर्वक लोगों का खेत जबरदस्ती लेकर के और जानवर जो है पशुधन मर जाए, भैंस गाय के लिए घास घी न रहे, जिम्मेदारी पूर्वक। सही। कंजर्विंग द प्रे, प्रे का मतलब शिकार। स्पीसीज, प्रे स्पीसीज यानी भैंस, हिरन और बकरे, बकरी, ये सब। फॉर चीतास, कंपनसेटिंग द फार्मर फॉर द, क्योंकि उनके गाय को भैंस को खा जाएगा चीता, तो जानवरों किसानों को पैसे भी दो, जिम्मेदारी यही तो है, यही है। तो ये दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। ये मत सोचिए कि रोज ए एंड बी सही होगा, समझ के किया कीजिए, लेकिन क्योंकि बीच में बदल देता था ना, विजय रोयाल जी अभी भी हमारे बीच में है, इन्होंने अपने टाइम को एक्सपेंड कर दिया है। चलिए, द टोन ऑफ द पैसेज इज, फट से कर दो राहुल जी, कविता जी, मुनेश जी, नरेंद्र चौधरी जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चिंता कंसर्निंग का है, सार्केस्टिक क्या है, व्यंगात्मक, मोटिवेटिंग नहीं है ये। आइए अब जल्दी से क्लोज टेस्ट, इन्वॉल्व हो जाइए, कोई जाए ना प्लीज, क्लोज टेस्ट। राकेश बस्सी जी, सीताराम जी, अविनाश जी, चलिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो, इवन मोर, और भी ज्यादा, भी इवन माने भी, मोर माने और भी ज्यादा जातियां इंस्पायर, प्रेरित कर रही हैं या उम्मीद रख रही हैं। एस्पिरेंट बताया था कि आप कोई फॉर्म भरते हो, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होते हैं एस्पिरेंट जो कि कुछ बनना चाहते हैं। तो एस्पायर का मतलब कुछ पाने की इच्छा रखना, इसका मतलब है डिजायरिंग, डिजायरिंग। तो कई और जातियां चाह रही हैं, डिजायर, इच्छा रख रही हैं और आंदोलन कर रही हैं। अरे इंस्पायर माने प्रेरित होना नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है यार, ऑब्जेक्ट लगेगा, किसी दूसरे को प्रेरित करना। तो ये जातियां प्रेरित नहीं कर रही हैं, मोटिवेट भी ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी दूसरे को भी हौसला बढ़ाना, ये गलत है। अट्रैक्टिंग, आकर्षित कर रही हैं किसी दू, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं सारे। और एस्पायर आई टी भी है, यानी इच्छा रख रहे हैं और जातियां कि, और आंदोलन कर रही हैं टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड होने के लिए। चलो नेक्स्ट, अजीत सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। गलत हो गया है सारा ऑप्शन, भाई को दिया था लेकिन गड़बड़ कर दिया, मैं जानता था। यहां पर एन आ गया ना, तो ये दोनों तो गलत हो गए, जबकि विपरीत माहौल क्रिएट करना है या अनुकूल, एडवर्स माने तो विपरीत होता है ज्योति जी। इनेबल्ड नहीं होगा ज्योति जी, इनेबल्ड का मतलब इनेबल्ड हो चुका, और यहां पर इनेबलिंग एनवायरमेंट, बोलो क्या आएगा, इनेबलिंग एनवायरमेंट एक्टिव पार्टिसिपल है, वाला वाली, ये बंदर नहीं समझ रहा है, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। इनेबल करने वाले, समर्थ बनाने वाला वातावरण, इनेबलिंग होना चाहिए। इनेबल्ड तो हम होंगे, इनेबल्ड का मतलब इनेबल हो चुका, और इनेबलिंग का मतलब इनेबल करने वाला, एबल करने वाला वातावरण, तो इनेबलिंग होना चाहिए, तो गलत हो गया। अब इस भाई को यहां पर अ करना चाहिए था, अकल लगाया होता तो।
अब यहां पर सुटेबल, इसको मैंने सुटेबली करवाया था, सुटेबली गलत है, अगर सुटेबल होता तो एडजेक्टिव सही हो जाता, यहां पर एडजेक्टिव चाहिए तो कंड्यूसिव वातावरण, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, बोलो कंड्यूसिव का मतलब क्या है, फेवरेबल। तो ये थोड़ा गलत कर दिया भाई ने, मेरे को डर था, वही हो गया, रोज रोज कुछ ना कुछ कर ही देता है तमाशा। चलो ज्योति जी, जरा इसका रिप्लाई करके भेजें जल्दी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यस। ये मूर्ख जो है ये भी नहीं समझ रहा है, वाइजली का मतलब है बुद्धिमानी पूर्वक, यहां बुद्धिमानी आदमी की थोड़े नहीं दिखा रहा, ये तो किसके लिए है, आइडिया के लिए है। तो वह महत्वाकांक्षी आइडिया जो संभावित रूप से बन सकती है कंजर्वेशन में मील का पत्थर, जीवों के संरक्षण के लिए मील का पत्थर बन सकती है ऐसी संभावना। पोटेंशियल का मतलब होता है अंतर्निहित क्षमता, और पोटेंशियल मतलब संभावना, कैसी संभावना, क्षमता की संभावना, क्षमता की संभावना को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुने हो क्या, पोटेंशियल एनर्जी में क्षमता होती है, बाद में वो क्या होती है, प्रकट होती है। तो पोटेंशियल वो क्षमता होती है जो कि बाद में प्रकट होती है। तो यहां पर पोटेंशियली होगा, ज्योति जी का सही हो चुका है, सर्टेनली और डेफिनेटली एक ही जैसा, इसका मतलब ये तो नहीं होंगे, आपस में ही खत्म है। संभावना है जिसके अंदर मील का पत्थर होने की संभावना है, ये है पोटेंशियली। एडवर्ब चाहिए क्योंकि वर्ब की विशेषता है पोटेंशियली, ठीक है भाइयों बहनों। पोटेंशियल ये वाइजली लिख रहा है, अगर कोई व्यक्ति होता ही कैन वाइजली चूज अ गुड सब्जेक्ट, तो वहां सब्जेक्ट को चूज करने में समझदारी दिखाना होता है, और ये आइडिया लैंडमार्क बन सकता है, मील का पत्थर बन सकता है, ऐसी उसके अंदर संभावना है। तो ये होगा भाइयों बहनों। तो ऐसा ऐसा आपको दे देता हूं जिससे आपको सीखने को मिले कि बिकम कैसे बनेगा, बनने की संभावना है, मील का पत्थर बन सकता है भविष्य में। आओ दिस, देखो कैसा कैसा दिया है, क्लोज टेस्ट है, करोगे तब न मजा आएगा, भागने वालों का कभी। ज्योति जी का सही था, विजय रोयाल जी हमारे बीच में है, अंजू जी का सही था, नरेंद्र जी का भी सही था। चलिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, स्ट्रॉन्गर देन ना, देख यहां पर, यहां पर दिस इज व्हाट ऑल स्टेक होल्डर, सभी संबंधित पक्ष शुड फोकस ऑन। तो फोकस ऑन व्हाट, दिस इज व्हाट, मतलब यही बात, वो चीज है जिसके ऊपर, फोकस ऑन का ऑब्जेक्ट कौन है, व्हाट, और ये व्हाट नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, किसका, दिस का, यही वो चीज है, वो बात है जिस पर सभी संबंधित पक्षों को फोकस करना चाहिए, ये है। तो ईशन जी कह रहा है कि और किसी भी चीज से ज्यादा, और किसी भी चीज से ज्यादा, देन आ रहा है, देन के बाद पॉजिटिव डिग्री नहीं आती। तो बेटर तो क्वालिटी बोल रहा है, और यहां पर क्या बोलना है, ज्यादा,
और भी ज्यादा, मच माने ज्यादा, उसी का कंपेरेटिव माना मोर देन। यहां ताकत की बात नहीं है और क्वालिटी की बात नहीं, कह रहा है कि जितने मुद्दे हैं उन सब के तुलना में इस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये है भाइयों बहनों, इस तरह क्लोज स्टेज बना रहा हूं, इससे टफ, इससे अच्छा क्वालिटी रिलेटेड कहीं नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस से बनता है, ये पागल हो जाओगे। रोज इस पे घंटे भर देता हूं। चलो अब करो, इसके बाद जाइए नहीं प्लीज, पैराजंबल करके जाइएगा, तीन पैराजंबल है, टाइम से खत्म हो जाएगा। विजय रोयाल जी अभी भी हमारे बीच में बने हुए हैं, श्रीदयाल जी, राहुल जी, हेमराज मीना जी, नाउन क्लॉज, यस यस, हेमराज मीना जी नाउन क्लॉज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल। अभी बताया था कि ऐसी वे एक्सप्लेनेशन जो सुनने में रीजनेबल लगे, जो सुनने में एक्सेप्टेबल हो, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन का मतलब बता रहा है ना कि मौत इस कारण से हुई, उस कारण से हुई, इस कारण से हुई, तो जो साइंट कह रहे हैं कि फॉर द अदर्स डेथ, दूसरी मौतों के लिए, फॉर द अदर्स डेथ आर नॉट, फॉर द अदर्स डेथ आर नॉट साइंटिफिक, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू स्ट्रेस। समझो क्या कह रहा है कि पॉलिटिकली इनकैप्ट एंड ऑफरिंग कंजंक्चर, कंजंक्चर का मतलब है कल्पना पर आधारित विचार, इमेजिनेशन से क्रिएट कर किए हुए विचार। क्या कहां से कहां, फ्रॉम स्नेक बाइट्स, कह रहे हैं कि सांप काट दिया, सांप काट दिया, विश्वास ही नहीं हो रहा, नॉट प्लॉजिबल। कह रहे हैं कि जी वो प्रेस स्ट्रेस में आ गया था, अरे स्ट्रेस में आ गया था, काहे का स्ट्रेस में आ गया था, ये भी हजम नहीं हो रहा है। प्लॉजिबल का मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब रीजनेबल नहीं लग रहा है, रीजनेबल नहीं। तो ये हो गया प्लॉजिबल, बाकी सब क्या है, गलत है मेरे भाइयों। अब आखिरी के ये क्वेश्चन है, जरा ये कर लीजिए फिर घर चलते हैं। चलें, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, रुके रहिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी। अब देखिए यहां पर सभी भाई बहन ध्यान दें कि यहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन, घरेलू उड़ान का संचालन, ऐसे पकड़ा, डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन होता है घरेलू उड़ानों का संचालन। बस मेरे को यह पता चल गया पापा कि पी के बाद एस, और रिक्वायरमेंट डज नॉट क्रिएट एनी रूम, रूम का मतलब स्पेस, रूम का मतलब स्पेस। तो यहां पर हम तो पता चल गया पी एस आर, अब पी एस आर यहां, यहां एस पी आर हो गया, यहां एस पी आर एक ही में है पी एस आर, ऐसी हालत में लाके बैठा दिया तुम्हें। पी एस आर क्लियर हुआ ना, देख अब आगे चलो। तो कहने का मतलब है कि हर पैरा जंबल्ड की थीम अलग अलग होती है। धीरे धीरे देखो मैंने क्या किया, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन सुना है कि नहीं, घरेलू उड़ान का संचालन, और क्रिएट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्रिएट व्हाट, रियल रूम। क्रिएट लिबरलाइजिंग होगा नहीं, ये बाई होगा नहीं, फ्लाइट ऑपरेशन होगा नहीं, रियल रूम ही आ रहा है। तो एस के बाद आर और पी के बाद एस, पी एस आर होगा, पी एस आर एक ही में। अब देखो ये ऐसी हालत में लाके बैठा रहा है,
भाइयों मैंने चाहिए नहीं, प्लीज जुड़े रहिए। और ऋषि कुमार जी हमारे बीच में हैं, नरेंद्र चौधरी जी हैं, अविनाश जी हैं। चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अरे ये लड़का तो हाथ ही नहीं उठा रहा है यार, डी पे पूरा उठाया कर कॉन्फिडेंस, भले गलत होने दो, उससे क्या है, अभी तो सीखने का ही है। ज्योति जी का सही हो चुका है। देखो द अनिल, अनिल जब आएगा नाउन तभी ही वगैरह आएगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरे को पता चल गया कि अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, उसने कार खरीदा, अनफॉर्चुनेटली द कार मेट, पहले कार खरीदेगा फिर एक्सीडेंट होगा, और उसी एक्सीडेंट को फिर एक्सप्लेन कर रहा आर एस टुक प्लेस ड्यू टू गैलन ऑफ हिज ड्राइवर, और फिर ड्राइवर यही कौन है, ड्राइवर है, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्यू फर्स्ट होगा, अब क्यू के बाद क्या आएगा, एक्सीडेंट, फिर एक्सीडेंट के बारे में किसके कारण हुआ, तो क्यू आर एस, और फिर ड्राइवर को अरेस्ट करवा दो क्यू आर एस पे। यहां तो आसान था ना, सबका सही था ना। चलो आगे देखो, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, करके घर जाना है, करके घर जाना है। वाह, चलो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, स्प्लिट डिसीजन, और देखते हैं। चलो कैमल रखता है टफ लेदरी लिप्स, टफ लेदर वाले चमड़े, मोटी चमड़े का लिप्स रखता है। अब इसके बाद दैट विल नॉट सिंक इन सैंड, जो सैंड में नहीं सिंक करेगा, अंदर घुसेगा, तो ये लिप्स के लिए होगा या फीट के लिए होगा, पैर के लिए हो। इसका मतलब कि हर हालत में आर के साथ पी जुड़ा रहना चाहिए, आर पी एक साथ होना चाहिए, और देखते हैं आर पी कितनों में एक साथ है, ए में, और दो को तो ऐसे ही काट दो, कितना सही बता रहा हूं, देख लो आप, इस तरह से शुरू होना है, आर पी एक साथ होगा। अब इसमें जो है आर पी एक साथ हो गया, तो अब क्रम देखना है कि आरपी यहां होगा यहां होगा, तो देखो लेदरी लिप्स रखता है और ब्रॉडेंड फीट रखता है और रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई रखता है, तो पहले क्या आना चाहिए, लिप्स और ब्रॉडेंड फीट, रुक सॉरी सॉरी गलत, तो ब्रॉडेंड फीट के बाद पी, तो आरपी, आर फीट रखता है जो कि सैंड में नहीं अंदर जाता है आरपी, फिर उसके बाद एंड क्या रखता है, रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई रखता है, फूड सप्लाई का रिजर्व स्टोर रखता है, आगे क्या है, कैपेबल ऑफ, हाँ तो आरपी क्यू, कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग कोरेस्ट वे, मतलब सबसे खुरदुरा, मतलब कांटों वाला क्या है, वेजिटेशन भी
कैपेबल है खाने में, कंज्यूम करने में, इन इट्स हम्स। तो यहां पर आर पी क्यू एस होगा, आर पी क्यू एस होगा भाई। एस क्या है? कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग कोरस वेजिटेशन इन इट्स हम्स। ओके भाइयों, नितिन गर्ग जी, सागर जी, आप लोग डेली आते रहिए भाई बहनों, आप लोग गैप मत किया कीजिए, तभी मजा आए। विजय रेवाल जी हमारे बीच में अंत तक बने रहे, ये काफ़ी अच्छी बात है। कल फिर आइए 8 बजे, इसका जो है पीडीएफ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कल एक नए न्यूज़पेपर के साथ, नए हौसले के साथ रोज का रोज पार्टिसिपेट करेंगे, तभी मजा आएगा। गैप मत कीजिए, सिलेक्शन तो पक्का होगा। विजय रोयाल जी ने इस इंग्लिश टेस्ट सीरीज के लिए इन्होंने जिम जाना छोड़ दिया है। थैंक यू, लीजिए।